लोग अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब एक इसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे धनतेरस पहले एक महीना का पर्व होता था, अब जो है एक दिन का रह गया है महंगाई के कारण। जिसको 10,000 का माल लेना है वो अभी 100 रुपये का माल लेके घर जा रहा है, क्योंकि उसको घर भी चलाना है। वैसा इनकम अब रहा 600 रुपये किलो पीतल था, इस बार 800 रुपये किलो पीतल है। स्टील में जो है सो 50 रुपये का तेजी हो गया है, तो क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूंजी पे पूंजी लगाए जा रहे हैं, मार्केट खाली जो है ना, कॉस्टली सामान ग्राहक प्राप्त नहीं कर पाते, उसके जगह पर छोटे छोटे आइटम अभी बिक रहे हैं। और उम्मीद है कि मार्केट में उस कॉस्टली आइटम की महंगाई के कारण नहीं, और महंगाई हो गया हुआ है। लोग धनतेरस में छोटा मोटा कुछ चीज़ लेके अपना जो रुतुम होता है उसको निभाएंगे। महंगाई इतना ज़्यादा, सबसे बड़ी बात है कि रोजगार तो है नहीं, और रोजगार है नहीं। मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के संग मधुबनी संदेश। अभी हम लोग लोहा पट्टी में है, कुछ दिन के बाद धनतेरस और दिवाली आने वाला है, छठ भी आने वाली है। मार्केट में जिस तरीके से भीड़ देखनी चाहिए या दिखनी चाहिए तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्केट पूरा कितना खाली है। हम सबसे बड़े बाजार में है जो बर्तन का और हर चीज़ का यहाँ पे है। और धनतेरस में ऐसा शुभ माना जाता है कि हर घर में कुछ ना कुछ खरीदा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा होता है दिवाली में, तो हर घर में कुछ ना कुछ खरीदा जाता है। और वो खरीद से जो है बाजार जो है पूरा भरी रहती है लोगों से। लेकिन अभी पूरा बाजार खाली है, क्योंकि सबसे बड़ी कारण जो है वो महंगाई है। और महंगाई की वजह से जो मिडिल क्लास फैमिली है वो बड़े बड़े चीज़ नहीं लेके, छोटी छोटी चीज़ लेके बस अपना पर्व पूरा कर रहे हैं। जिस तरीके से सोना चांदी जिसका जितना अपना पूजी हो वो उस तरीके का सामान लेता है, लेकिन उसकी वजह से भी और पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल जो महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से भी लोग बस अपना पर्व पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी छोटा छोटा चीज़ लेके, क्योंकि बड़ा चीज़ खरीदने का जो है वो अब लोगों में उतना, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। कुछ आम लोग से भी बात करेंगे, कुछ जनता से और कुछ दुकानदार से भी बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से चीज़ों पे महंगाई बढ़ी है, लोगों का क्या कहना है इस पे। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद हुआ। कुछ दिन के बाद धनतेरस दिवाली आने वाला है, हर लोगों में ऐसा रहता है कि दिवाली में और धनतेरस में कुछ ना कुछ खरीदे अपने घर में। क्या कुछ खरीद रहे हैं और कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है उस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है और रोजगार है नहीं, और महंगाई हो गया हुआ है। लोग धनतेरस में छोटा मोटा कुछ चीज़ लेके अपना जो रुतुम होता है उसको निभाएंगे। महंगाई इतना ज़्यादा, सबसे बड़ी बात है कि रोजगार तो है नहीं, और रोजगार है नहीं तो लोग क्या करेगा। इनकम पर ही सारा चीज़ निर्भर है, इनकम तो है नहीं लोगों के पास, इसीलिए धनतेरस में लोग अपना जो रुतुम होता है उसको निभाने के लिए। धनतेरस एक बहुत बड़ा पर्व है लोगों के लिए, जो एक महीना पहले से मार्केट भरी रहती थी चीज़ें खरीदने के लिए, और उस तरीके से मार्केट पूरा खाली देखा जा रहा है। क्या कुछ उस पर कहना चाहते हैं? सरकार को इस पर ज़रूरी है कि जल्द से ध्यान दे, क्योंकि इस तरीके से जो है पर्व लोग अपना बस काट रहे हैं कुछ छोटा छोटा चीज़ लेके। ऐसे ये नहीं है कि खुशी खुशी मना रहे बहुत सारा चीज़ लेके, क्योंकि महंगाई जो बढ़ी है, तो ज़रूरी है सरकार इस पर ध्यान दे थोड़ा। तो सरकार को ही ध्यान देना पड़ेगा, आम आदमी इसमें क्या कर सकता है। और सरकार ध्यान देगा तभी मार्केट में जान आएगा, और लोग अपना काम और रोजगार को भी बढ़ाएंगे। सरकार कुछ कहना चाहते हैं? फिर 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है, इलेक्शन के बाद केंद्र सरकार को जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और महंगाई पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। कोई भी सरकार आएगा उसको महंगाई पर ध्यान देना ही पड़ेगा, उसको जनता को देखते हुए काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो सरकार पर तो फर्क पड़ेगा, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए धन्यवाद, अपना परिचय दे दीजिएगा। हम सपना बर्तन मधुबनी लोहा पट्टी मधुबनी जगन्नाथ महतो जी। एक हफ्ते के बाद धनतेरस है, महंगाई की वजह से मार्केट में वैसी भीड़ नहीं देखी जा रही है। क्या कुछ उस पर कहना चाहते हैं और किस तरीके से जो महंगाई बढ़ी है अभी उसमें क्या मार्केट में क्या आपके दुकान में लोग सब आ रहे हैं, क्या उस तरीके से व्यापार हो रही है जिस तरीके से होना चाहिए दिवाली और ये धनतेरस में? महंगाई के कारण जो है ना कॉस्टली सामान ग्राहक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसके जगह पर छोटे छोटे आइटम अभी बिक रहे हैं। और उम्मीद है कि मार्केट में उस कॉस्टली आइटम की महंगाई के कारण नहीं सेल हो पाई। अच्छा, ये पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल क्या महंगाई किन किन चीज़ों पे बढ़ी है और कैसा मार्केट उस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि मार्केट अभी पूरा शांत है और एक हफ्ते के बाद जो है धनतेरस दिवाली है, तो इस तरीके से मार्केट नहीं होना चाहिए, मार्केट थोड़ा भरा होना चाहिए था अभी, पर महंगाई की वजह से शांत देखा जा रहा है। तो उस पर
मार्केट तो सबसे सर्वप्रथम है कि ऑनलाइन खा गया, दूसरी बात है कि कुछ पीतल पर कुछ दाम बढ़ाई हुई है, कुछ स्टील पर भी बढ़ी हुई माल, थोड़ा बहुत सारे आइटम पर माल महंगाई के कारण बढ़े हुए। तो मतलब शांति देखी जा रही है, वो मतलब महंगाई जो बढ़ी है अगले साल की अकॉर्डिंग इस साल भी बढ़ी है, तो मार्केट उतना शांति है सारा? शांति इसलिए है कि महंगाई के कारण है, लोगों के पास पैसे नहीं है और मार्केट कर नहीं पा रहे हैं, उसके उपेक्षा लोग छोटा सा आइटम थोड़ा बहुत करके अपना पर्व को पूरा करेंगे, उम्मीद यही लग रहे हैं। मतलब जिस तरीके से धनतेरस और दिवाली है तो लेना तो कुछ ना कुछ है ही किसी को, क्योंकि एक पर्व होता है जिसमें सामान खरीदा जाता है, तो महंगाई की वजह से नहीं, बड़ा चीज़ तो छोटा चीज़ ही लेके अपना पर्व मनाया जा रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आखिर मिडिल क्लास फैमिली करे भी तो क्या, क्योंकि उतना पूंजी नहीं होता उन लोगों के पास कि उतना सारा सामान खरीद ले, तो छोटा छोटा सामान खरीद के ही अपना पर्व मनाए रहे और मार्केट जो है शांति देखा जाए। जी जी, मार्केट एकदम शांत है। धन्यवाद। यहाँ पे और एक लोग, दो व्यापारी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि जिस तरीके से पिछले साल महंगाई थी उस तरीके से इस बार तो उससे बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो कैसा मार्केट चल रहा है उन लोगों का? और धनतेरस आने वाली है, बस एक हफ्ता है, तो उसमें क्या कुछ कैसा व्यापार चल रहा है, क्या कुछ भी ग्राहक आ रहे हैं? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही मुश्किल का बात है कि कुछ लेंगे, और जो जिस तरीके से धनतेरस होती है तो धनतेरस में कुछ ना कुछ हर घर में लोग लेते हैं, लेकिन महंगाई बढ़ी है तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक चुनौती टाइप की हो गई है। तो उनसे बात करते हैं कि कैसा मार्केट चल रहा है और कितने लोग जो है आ रहे हैं यहाँ पे, परिचय दे दीजिएगा अपना। मेरा नाम विनोद प्रधान है, लोहापट्टी मेरा दुकान मकान है, ठीक है, हम बर्तन व्यापारी हैं। धनतेरस आने वाली है, धनतेरस में बाजार तो भरी रहती है पर अभी बाजार पूरा खाली देखने को मिल रहा है, क्या कुछ इस पे कहना चाहते हैं कि महंगाई की वजह से लोग अपने घर में ही हैं अभी? बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुका है, जो पिछले साल 600 रुपये किलो पीतल था, इस बार 800 रुपये किलो पीतल है। अच्छा। स्टील में जो है सो 50 रुपये का तेजी हो गया है, तो क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूंजी पे पूंजी लगाए जा रहे हैं, मार्केट खाली जा रहा है। अब लोग आते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी धनतेरस में तो आना ही चाहिए था, फिर भी मार्केट खाली है तो लोग आ रहे हैं कि नहीं? लोग अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, अब एक इसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे धनतेरस पहले एक महीना का पर्व होता था, अब जो है एक दिन का रह गया है महंगाई के कारण। जिसको 10,000 का माल लेना है वो अभी 100 रुपये का माल लेके घर जा रहा है, क्योंकि उसको घर भी चलाना है, वैसा इनकम अब रहा नहीं कहीं, तो इसलिए अब जैसे तैसे चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है मिडिल क्लास लोगों के लिए एक चुनौती भरा चीज़ है, क्योंकि अब बहुत ही मुश्किल है। जिस तरीके से दिवाली का त्यौहार है लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और हर चीज़ खरीद के, डेकोरेशन का हो या चाहे वो बर्तन हो या सोना हो या चांदी हो, हर चीज़ लोग खरीदते थे इसको सेलिब्रेट करने के लिए, उस तरीके से भीड़ कहीं भी नहीं देखी जा रही है किसी भी मार्केट में नहीं, तो क्या कुछ इस पर कहना चाहते हैं? इस पर तो सरकार ही कुछ कह सकती है, हम क्या कह सकते हैं कि थोड़ा जिस हिसाब से टैक्स बढ़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी उस हिसाब से नहीं ना, बिहार में फैक्ट्री डालना पड़ेगा फिर वो सस्ता होगा, यहाँ कोई फैक्ट्री है नहीं, बाहर से आएगा ट्रिपल टैक्स लग रहा है, हर स्टेट का अलग टैक्स दिया जा रहा है, तो उसको अगर जो नीतीश सरकार कुछ करना चाहे तो कर सकती है, मगर वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो आराम से सोए हुए हैं।